NH10 एक थ्रिलर मूवी है जिसमें चतुराई से भारत में महिलाओं की स्थिति, पुरुष प्रधान समाज की विसंगतियां, ऑनर किलिंग और भारत में कानून की स्थिति को दर्शाया गया है। कहानी है न्यू एज कपल मीरा और अर्जुन की, जो वीकेंड मनाने के लिए गुड़गांव से दूर निकलते हैं और NH10 उनके लिए मुसीबत लेकर आता है। रास्ते में वे ढाबे पर चाय पीने रुकते हैं। यहाँ एक लड़की और लड़के को कुछ लोग पीट रहे हैं। अर्जुन दखल देता है और जंगली किस्म के ये लोग मीरा तथा अर्जुन के पीछे पड़ जाते हैं। अर्जुन और मीरा के लिए आगामी कुछ घंटे नरक के समान होते हैं। जंगलों और गांवों में भटकते हुए उनका सामना एक ऐसे भारत से होता है जहां जंगल राज चल रहा है। फिल्म के एक संवाद से भारत के अंदरूनी इलाकों की भयावह स्थिति की झलक मिलती है, जब एक किरदार कहता है, गांव में पानी और बिजली तो पहुंचे नहीं है, संविधान कैसे पहुंचेगा। गुड़गांव में जहां आखिरी मॉल खत्म होते हैं ना, वही आपकी ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो जाता है। एक और मीरा है जो पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, अपनी शर्तों पर जीवन जीती है और जिसे खुलेआम सिगरेट पीने में हिचक नहीं है। उसके लिए चमचमाते मॉल्स और मेट्रो सिटी ही भारत है। जहां शहरों के शॉपिंग मॉल समाप्त होते हैं, वहीं से भारत का दूसरा चेहरा सामने आता है। यहां महिलाओं की स्थिति भयावह है, वे अपने निर्णय नहीं ले सकती हैं। दूसरी जाति में शादी करने पर अपने ही अपनों की हत्या कर देते हैं और इसे सम्मानजनक बात माना जाता है। लेडीज टॉयलेट की दीवारों पर महिलाओं के प्रति असम्मानजनक बातें लिखी जाती है, जो पुरुषों की स्त्री के प्रति विकृत सोच को बयां करती है। गुंडों से भागते हुए जब मीरा पुलिस के पास पहुंचती है तो मदद के बजाय पुलिस उसे गुंडों को सौंप देती है। पुलिस वालों को भी डर है कि गांव वाले उनका हुक्का पानी बंद नहीं कर दें, आखिर उन्हें भी तो अपनी संतानों की शादी करनी है। बड़े शहर में रहने वाली मीरा पहली बार इस तरह की स्थिति का सामना करती है। इन सारी बातों के बीच मीरा अर्जुन के पीछे भागते गुंडों के जरिए थ्रिल पैदा किया गया है। फिल्म की स्क्रिप्ट सुदीप शर्मा ने लिखी है और उन्होंने संक्षिप्त कहानी पर बेहद टाइट स्क्रिप्ट लिखी है। मीरा और अर्जुन के साथ जिस तरह की घटनाएं घटती हैं, उससे दर्शक हिल जाता है। मीरा को उन्होंने हीरो की तरह पेश किया है। क्लाइमैक्स में फिल्म अनुष्का शर्मा की बदलापुर बन जाती है, लेकिन यहाँ स्क्रिप्ट का फिल्मी होना अच्छा लगता है। मीरा अपने दुश्मन को मारने के पहले सिगरेट के कश लगाती है और गुंडे की आंखों में भय देख उसे सुकून मिलने वाला दृश्य बेहतरीन बन पड़ा है। निर्देशक नवदीप सिंह ने कहानी को रियलिटी का टच दिया है, जिससे फिल्म में जान आ गई है। रियल लोकेशंस फिल्म को तीखा बनाते हैं। हिंसात्मक दृश्यों से निर्देशक ने परहेज नहीं किया है। फिल्म में मार काट, खून खराबे और क्रूरता के दृश्य विचलित कर सकते हैं। अर्जुन का गुंडों के पीछे जाने की वजह को ठीक से पेश नहीं किया गया है, शायद यह मेल ईगो वाली प्रॉब्लम है। दर्द सहती हुई, खून से सनी, हिम्मत नहीं हारने वाली मीरा का किरदार अनुष्का शर्मा ने बेहतरीन तरीके से जिया है। उनकी आंखों में बदला लेने की चमक साफ देखने को मिलती है। उन्होंने हर भाव को बखूबी पेश किया है। फिल्म के अन्य कलाकारों का अभिनय भी सराहनीय है। NH10 पर सफर किया जा सकता है। इसे मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।